हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोडजी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयर इंडिया सेट्स की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे एयर इंडिया फ्रेशर्स को हायर कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो 2022 में अभी रन कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। चार जॉब रोल की मैं बात करूंगा। और वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जॉब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं PDF डाउनलोड करके दिखा दूंगा कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही जॉब के लिंक पे क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वाले सेक्शन पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है जॉब प्रोडजी का वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर इंडिया सेट्स रिक्वायरमेंट फॉर एनी ग्रेजुएट फ्रेशर। कस्टमर सर्विस एजेंट का मैं पहले जॉब रोल की बात करता हूँ। यहाँ पे नीचे स्लाइड करके आएंगे, आप देख रहे हैं इतनी सारी 1, 2, 3, 4 जॉब रोल निकला हुआ है। आप किसी पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम यहाँ पे जो इसका पेज पे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं कस्टमर सर्विस एजेंट की है, तो यहाँ पे आप स्लाइड करके क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। तो हम अप्लाई हेयर फॉर कस्टमर सर्विस एजेंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसका ये देख रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कैरियर का सेक्शन बना हुआ है, तो कैरियर के सेक्शन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के सामने चार जॉब की रोल आई हुई है। पहली जो कस्टमर सर्विस एजेंट की रोल है वो त्रिवेंद्रम के लिए, बाकी जो कार्गो सर्विस एजेंट, कस्टमर सर्विस एजेंट और सिक्योरिटी एजेंट की है वो बैंगलोर इंडिया के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे बैंगलोर एयरपोर्ट पे आपको काम करना होगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो दोस्तों, हम कस्टमर सर्विस एजेंट की जो PDF है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे PDF जो है हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये PDF ओपन हो चुका है, जिसमें जॉब पर्पज एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी दी हुई है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल में इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोर वॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूट बैगेज, टैक्स एंड इमिग्रेशन फॉर्म टू द पैसेंजर, ग्रीट एंड गाइड द पैसेंजर। पैसेंजर को बेसिकली गाइड करना होगा आपको फ्लोर पे, जैसे रह के आपको सारी चीजें बतानी होगी। और यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट चेक करने का, ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, मर्चेंट सिम बुक, एंडोर्समेंट, वीजा, हेल्थ सर्टिफिकेट, एयरपोर्ट टैक्स, कस्टम, ये सब सारी चीजें आपको करनी होंगी। पैसेंजर्स मीट एंड असिस्ट, उनको गाइड करना होगा क्या क्या, असिस्टिंग VIP, CIP एंड मदर विथ चाइल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे प्री फ्लाइट में आपको चेक करना होगा फ्लाइट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें आपको जो करनी होगी वो एयरपोर्ट पे ही करनी होगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे। अगर पोस्ट फ्लाइट की बात करें, जब आफ्टर फ्लाइट के बाद, तो प्रिंट द फाइनल ई टिकट, फाइनल मैनिफेस्ट, पासपोर्ट डिटेल, टेक जनरल डिक्लेरेशन, सारी चीजें आपको करनी होगी। बहुत ही अच्छी जॉब रोल रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्डिंग गेट फंक्शन, अरेंजिंग बैरिकेड्स, अनाउंसमेंट, स्टबिंग, डॉक्यूमेंट्स चेक, ये सब अच्छी जॉब रहने वाली है। तो अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री, अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, साइंस फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर मैं रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यहाँ पे 0 से 1 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन दिस रिलेवेंट फील्ड। अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। शुड बी एबल टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, काफ़ी वहाँ पे अगर एयरपोर्ट पे आप काम कर रहे हैं तो काफ़ी अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होते हैं, तो आपको हैंडल करना होगा। शुड पॉसेस गुड कमांड ओवर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आपकी गुड कमांड होनी चाहिए। बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको गुड कंप्यूटर की जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर की बात कर ले, तो पॉजिटिव ऑफेंस टू न्यू चैलेंजेस, विलिंगनेस टू बियॉन्ड द चैलेंजेस एंड मीट द डेडलाइन। और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है शुड हैव अ एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, शुड बी सर्विस ओरिएंटेड। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। और लोकेशन की बात करूँ, तो मैं पहले ही बता दिया है कि ये जो लोकेशन रहने वाला है, 3 जो जॉब रोल है वो बैंगलोर के लिए, बाकी एक त्रिवेंद्रम के लिए है। तो ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है कि 28 साल से आप ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, स्टाफ हु आर करेंटली वर्किंग एट द एयरपोर्ट। अगर आपके घर के कोई भी सदस्य, कोई भी मेम्बर, अगर आप
के यहाँ एयरपोर्ट पे काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं एयरपोर्ट पे, तो स्टाफ हैविंग एक्सपीरियंस इन एविएशन इंडस्ट्री वुड बी एडेड एडवांटेज, तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कि आपके घर का कोई काम कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही। तो नोट की अगर हम बात करें, नोट टू ऑल एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी डिसगार्डेड। दोस्तों अगर आप फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन तो पूरा फिल करिए। पासपोर्ट इशूज ऑन द आफ्टर 21 और लेटेस्ट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस कमिश्नर। दोस्तों यहाँ पे अगर एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू सेंड देयर शॉर्ट कॉपी टू द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन HR BLR@SATS.in। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिस एड्रेस जो रहने वाला है बैंगलोर का है, चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो नीचे देख रहे हैं इतनी सारी जो लिंक दी हुई है, किसी पे भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वाले पेज पे हैं तो अप्लाई करने के लिए किसी भी क्लिक कर दीजिए। तो मैं कस्टमर सर्विस एजेंट पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही सिंपल अप्लाई करने का तरीका दिया गया है, बहुत ही, इसमें कोई लॉग इन नहीं करना है, कोई साइन अप नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पे नेम पूछा गया है, नेम दे दीजिए, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, इसमें मैं कहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज दे सकते हैं यहाँ पे, और अपना रिज्यूमे अटैच करके यहाँ पे नीचे आप सबमिट देख रहे हैं, सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ये आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लोजिंग डेट यहाँ पे 1-10 अप्रैल है, बाकी सब 30 अप्रैल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द एक बंद होने वाला, बाकी आपके पास अभी 1 मंथ का टाइम है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, इंजीनियरिंग वाले और साइंस वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।